कहाँ जा रहे हैं अपन? इंडिया। अरे इंडिया जाएंगे भाई, इंडिया जाएंगे। इंडिया जाने में टाइम है, उसमें समय नियत है, टिकट तय है, जाएंगे इंडिया। अभी कहाँ जा रहे हैं? घूमने अच्छा, अभी कहाँ जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। घूमने कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी के पास। अरे यार, बाबा जी तो इंडिया है, इतना इनसे रहा नहीं रहा। इनसे रहा नहीं रहा। हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं थोड़ा घूमने, थोड़ा बहुत नेचर में। प्राग से करीब हाफ एन आवर का ड्राइव है, करीब 40 किलोमीटर होगा। घूमे हुए हैं, मेनका और एडी जी को घुमाना है। कौन है सोनिया मुनिया रंजा बिटिया? बुआ का नानिया। और सोनिया मुनिया है कौन? एडी है सोनिया मुनिया। अच्छा, सनग्लासेस कौन खरीदा है? ये सन वो मम्मी डैडी खरीदे। मम्मी खरीदी है, डैडी ये सब काम नहीं करते। मम्मी खरीदे। हाँ जाइए। जूता पहन के आप इधर आ गए। हाँ जूता पहन के इधर आ गए। चलिए जूता पहन के उधर, जूता पहन के घर के अंदर नहीं आना बेटा। चले लेट्स गो, जल्दी रुकिए, डैडी आ रहे हैं, रुकिए। चलिए मम्मी आप चले। एडी जी जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम। स्प्रिंग में इतना खूबसूरत मौसम है कि घूमने का मजा ही खूबसूरत है। ये अलग बात है कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ एकदम चिलचिलाती गर्मी, चिलचिलाता धूप, ये वाला धूप नहीं मिल पाएगा। इस धूप का अपन 6 महीने वेट करते हैं, स्प्रिंग से, ऑटम से लेके विंटर तक। बड़ा खूबसूरत व्यू है सामने, देखो। एक्चुअली अभी वो मस्टर्ड, यू नो, सरसों खिलने वाला मौसम है, काफी खूबसूरत लगता है। जगी होती तो देखती तो उनको अच्छा लगता। जा भाई जा। इसमें भी लोग एकदम ओवर स्पीडिंग करके कोई कोई निकल रहा है। नहीं, चेक गवर्नमेंट नया रूल लेके आ रही है ओवर स्पीडिंग पे 50, जो शहर में लिमिट है उससे ज्यादा आप करेंगे तो 25,000 चेक राउंड का फाइन होगा, करीब करीब 90,000 रुपये का। तो तब लोगों को समझ में आएगा ये ओवर स्पीडिंग का मतलब। बहुत ही खूबसूरत है, आराम से चल यार, फड़ा के चलो, तरह बुझाता के बाबूजी के एकदम सड़क पर आराम से चलो लोगिन। तो यहाँ से अपना करीब करीब वैडी जी के स्पीड पे डिपेंड करता है कि वॉक है, करीब 10 मिनट का वॉक है, यू नो, ग्रास लैंड पे, और फिर वहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू है जो कि रिवर और फिर माउंटेन के बीच से है, वो वही व्यू देखना है। एडी जी को जगाने की ज़रूरत है, सो गई हैं। मम्मी जगाइए एडी जी को। अरे लक्ष्मी जी जग गई हैं, चलना है ना एडी, अपन घूमने चले ना। अच्छा नींद आ गई आपको? हाँ। नैप ले लिया, फ्रेश हो गया ना, पानी पी लीजिए थोड़ा। तो हमें जाना है वहाँ पे, वहाँ से वॉक करते हुए और आगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देयर, देयर सच लॉन्ग वॉक, वहाँ जाएंगे ऊपर, वहाँ से व्यू है। एडी वॉक कर लेगी ना, चलिए आइए। एडी जी को डैडी अपना सनग्लासेस सर के ऊपर किए हैं, तो एडी को भी देखा देखी करना है कि हमको भी सर के ऊपर कैसे किया। एडी भी कर लिया है सर के ऊपर ना। मम्मी। हाँ मम्मी भी कर ली है, वेरी गुड।
हम लोग अभी ऑलमोस्ट नेचर में हैं, तो यहाँ फ्लावर्स चारों ओर, हैव अ लुक, यहाँ फ्लावर्स हैं, वो एप्पल फ्लावर्स है, ये सब कुछ। तो जब यहाँ शांत है एकदम, जब यहाँ हर चीज एकदम शांत है, तो मधुमक्खी की उड़ने का आवाज हम लोग सुन सकते हैं। आई डोंट नो इफ इट इज कमिंग इन द कैमरा और नॉट, मधुमक्खी का आवाज चारो है कि नहीं इनका? हाँ। एक आवाज आ रहा है, मधुमक्खी की कोई चिड़िया? नहीं नहीं, मधुमक्खी का है, दे आर टेकिंग द नेक्टर। व्यू देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। चले साहब चलिए, जो व्यू हम देखना चाह रहे थे वो यहाँ पे है, आपको दिखाते हैं। यहाँ से बहुत क्लियर व्यू नहीं आ रहा है, थोड़ा अपने को आगे जाना होगा वहाँ से, और आईडी जी को बहुत आगे ले नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, तो यहाँ से कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा व्यू है, बट हम आए थे विंटर टाइम में, तो सारा यू नो फॉल आई मीन लीव्स पर किसी पेड़ में थे नहीं, तो काफ़ी क्लियर व्यू था। अभी क्या है, स्प्रिंग है, तो लीव्स आ गए हैं, तो बहुत आसानी से अच्छा व्यू मिल नहीं रहा है यहाँ से, बट स्टिल वी हैव सम व्यू। आई एम ट्राइंग टू शो यू, ये जो है ये यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू आता है, जो यहाँ से दिख नहीं रहा है। अब एडी है इसलिए हम लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं, उस पर्टिकुलर उधर एक व्यू है जहाँ से, प्लेस है जहाँ से अच्छा व्यू दिखता है, तो ये वल्तावा रिवर है, वो जो रिवर है वो रिवर ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। काफ़ी अच्छा हाइकिंग का करीब आधा घंटा इधर से नीचे नीचे वे है वहाँ पहुँचने के लिए, और काफ़ी सुंदर। यू कैन ऑल्सो टेक राइड ऑफ सम बोट्स विच इज़ यू नो गोइंग अराउंड एज अ फेरी। अभी फेरी का बात कर रहे थे ना हम, क्या लुक एट दिस, स्लोली स्लोली सी। एडी को अच्छा लग रहा है, क्या करना है? बिस्किट नहीं खाना है, तो कोई दे भी नहीं रहा है आपको, कोई दे रहा है थोड़ी बेटा आपको। वी आर गोइंग बैक होम, काफी देर हम लोग थे, करीब करीब शाम के 3:30 होने को है। Shall we go now? Yes. Okay, then let's go. Daddy, India go. Daddy, India जाएंगे? Eddie, mummy भी जाएगी? हाँ. तो इंडिया जाएंगे बेटा, हद तेरी के, इनको दिक्कत है कि बता दो तो वही चीज रट लगाए रहती है। आइए जल्दी आइए एडी, कम कम जल्दी आइए जल्दी। तो हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए हैं, वापस जा रहे हैं घर, बट शायद रास्ते में कहीं रुके अगर कुछ खाने पीने का मन हो तो। ठीक है एडी जी, एडी जी को नीनी आ रहा है, तो नीनी आ रहा है तो फिर खा नहीं पाइएगा बेटा, सोच लीजिए, मिस कर जाइएगा आप, सोना नहीं है। ठीक है, तो एक जगह रुके हैं रास्ते में थोड़ा लंच वगैरह करने के लिए। लकली इट्स अ नाइस टाउन समवेयर अराउंड बिटवीन प्राग एंड द प्लेस वी वेंट, तो चलते हैं जल्दी खाते हैं, बहुत भूख लगी है, 3:30 हो गया। कोई एग्जीबिशन लगा है नहीं, कार्टून टाइप का, देखो ना बच्चों का, ये कार्टून टाइप का जो कि चेक में ऑफ कोर्स ट्री है। हाँ ये पाइन ट्री है ना बेटा, दीज आर पाइन ट्रीज, यस है ना, ओके। दिस इज सम काइंड ऑफ बेटा एग्जीबिशन फॉर यू नो समवंस हु क्रिएटेड सम कार्टून, एंड वाया कार्टून दे आर शोइंग सम स्टोरीज, ओके। Yes, yeah. Nice stories. These are different stories that you. Yes. बेटा आपको चेक सीख रहे हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, हमें तो नहीं आता है। चलिए। तो यहाँ पे ये एग्जीबिशन लगा है काफी खूबसूरत, और यहाँ सिटी हॉल है, वहाँ पे ऑफिस जो इसका टाउन का ऑफिस है, ये चर्च है मेरे ख्याल से।
अब वॉक क्या करोगे, खा के चलेंगे घर। कौन है? लुक एट दिस एडी जी, कौन है ऊपर? काफी ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल का रेस्टोरेंट है, बट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब जी क्या हो रहा है? ठीक, बड़ा यमी लग रहा है इनका। दोनों माई बेटी में हर्षोल्लास का माहौल है खाने आ जाने से। अरे बाबा, खूब बढ़िया से खा लिया अपन, बहुत भूख लगी थी। एडी ये देखिए काउ, यस काउ। काउ कैसे करता है? कैसे आवाज करता है काउ? है ना? और डक कैसे आवाज करता है? डक हाँ। तो हम लोग प्राग पहुंच गए अपने घर के पास, पार्किंग में गाड़ी लगा दिया है, कुछ ग्रोसरी का भी सामान खरीद लिया। हाँ क्या हो गया? एडी को रोली खाना है। एडी को रोली खाना है, घर चलिए तब। तो बाहर से आके नहा लिए अपन, बड़ा फ्रेश टाइप का मामला लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एडी रोली खा रही है, दिखाइए डैडी को, दीजिएगा डैडी को, दीजिएगा। बोलिए भाई, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? स्वार्थी लड़की। एडी का नाखून बढ़ गया, एडी का नाखून कटेगा? नहीं, नहीं बढ़ गया। नहीं नीनिया, नहीं बहाना नहीं कीजिए, एडी का नाखून कटाएगा। नहीं, नाखून नहीं। क्यों नहीं कटाएगा? क्या गला ये हो रहा है ना? हाँ जितना भी बहाना मार लीजिए, नाखून बढ़ा हुआ है। डैडी भी अपना नाखून काटेंगे, एडी का भी नाखून काटेंगे। क्यों नहीं? डैडी आपका नाखून काटे थे पिछली बार, दर्द हुआ था? नहीं दर्द हुआ था? हेलो, एडी को नीनिया लग गया, तो बिछावन पे जाके सोइए, खुद के बिछावन पे जाइए, बेड पे जाइए। एडी नाखून काटेंगे बेटा, आपका नाखून बढ़ गया है। नहीं, दिस इज नॉट गुड। तो डिनर रेडी है, हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। एडी को नाखून काटना है? अभी तो एडी नाखून कह रही थी कि नहीं काटेंगे नहीं काटेंगे, हाँ इतना रो रही थी। अब कैसे तैयार होगा कि नाखून कटवाना है? प्लीज तक मामला पहुंच गया, प्लीज तक मामला पहुंच गया, ये। तो अभी एडी खाना खा लेगी, फिर उसका नाखून काट देंगे, ठीक है? देखिए क्या है खाना में, पूरी भी है, पुलाव भी है, चावल दाल सब आ रहा है, पापड़ सहित। एडी को पूरी चाहिए, ठीक है, एडी पूरी खाएगी। और सुनिए आपको बाय बाय बोल दें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, बाय 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 बाय।